स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो फाइनल ईयर को अक्सर एग्जाम्स में आता ही आता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पेप्टाइड सिंथेसिस। सो पेप्टाइड सिंथेसिस के हमारे पास दो मेथड होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस एंड द सेकेंड वन इज द मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। सो जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे दैट विल बी योर क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। तो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस क्या होती है कि अगर हमारे पास दो अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड है, सपोज ग्लाइसिन एंड एलानिन। आई होप आपको इनके स्ट्रक्चर आते होंगे। सो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल तो दोनों में आपने बना ही लेना है। जैसे ये हो गया CUH। अगर यहाँ दोनों ही सब्सिट्यूएंट HH हैं तो आपके पास ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। अगर मिथाइल ग्रुप है, क्या होता है कि जब दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारे पास जो डाइपेप्टाइड बनेगा दैट विल बी ग्लाइसाइल एलानिन। ठीक है, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दो अमीनो एसिड रिएक्ट किए और इनमें से वाटर मतलब बाहर निकला। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये अमाइड लिंकेज बन गई, सी डबल बॉन्ड ओ एन और एन एच, और हमारे पास ये डाइपेप्टाइड सिंथेसिस हो गया। बट इन एक्चुअल क्या है, आप देखो दोनों के पास ही तो एन टर्मिनल सी टर्मिनल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लाइसिन का ही एक मॉलिक्यूल का अगर एन टर्मिनल दूसरे ग्लाइसिन के सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ रिएक्ट कर ले। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं। एलानिन का एक मॉलिक्यूल दूसरे एलानिन के साथ रिएक्ट करके एलानाइल एलानिन भी बना सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसाइल ग्लाइसिन भी बन सकता है। ठीक है, या एलानाइल जो है ग्लाइसिन भी बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ जो है डाइपेप्टाइड बनता है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम द टू अमीनो एसिड्स। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में हम यही सीखने वाले हैं कि हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे अपने ग्रुप्स की। तो हमारे पास बेसिकली जो पेप्टाइड सिंथेसिस है, क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस है, इसके फोर स्टेप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से फोर स्टेप्स हैं तो वो पहले आप लिख लो, फिर हम एक एक करके वो सारे स्टेप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे मैंने अभी बताया है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। तो कौन से ग्रुप्स की बात कर रही हूँ मैं, आपका NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप। तो सबसे पहले इनकी प्रोटेक्शन करनी है। सेकंड आपके पास स्टेप होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप। जो भी प्रोटेक्टेड ग्रुप है उसकी एक्टिवेशन आपने करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार आपके पास एक्टिवेशन होगी, प्रोटेक्शन होगी, तो जो चीज आप डाइपेप्टाइड बनाना चाहते हैं वो आप बना लोगे। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एंड द लास्ट स्टेप इज द, एक बार हमारा काम हो गया, डाइपेप्टाइड हमारा बन के तैयार हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप था उसकी रिमूवल कर देनी है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। बस रिएजेंट आपको लर्न करने हैं, स्टेप्स बहुत ही इजी हैं इसमें। सो ये चार स्टेप्स आते हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में। द वेरी फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, देन एक्टिवेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो चलिए स्टेप वाइज हम सारा सीक्वेंस ये फॉलो करते हैं और पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं। सो पेप्टाइड सिंथेसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक एनी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट। लाइक हियर आई एम टेकिंग द बेंजोलॉक्सी, आई एम गोइंग टू राइट द नेमिंग ओवर हियर, बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। तो बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड को आप रिएक्ट कराओगे अपने अल्फा अमीनो एसिड। अगर आपको स्पेशलाइज कोई भी दिया हुआ है, स्पेशली कि आपने एलानिन की करनी है तो आपको एलानिन लिखना पड़ेगा, ग्लाइसिन की पूछा है प्रोटेक्शन तो उसकी लिखोगे। मैंने यहाँ जर्नल लिखा हुआ है। सो वी हैव एनी अल्फा अमीनो एसिड, तो कोई भी आप अल्फा अमीनो एसिड यहाँ ले सकते हो। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एट 278 केल्विन। सो यहाँ पे मैं अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से रिमूव होगा HCl, HCl यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से HCl रिमूव होगा एंड वी गेट C6H5CH2O। बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहा, यहाँ से HCl बाहर तो NH अकेला बच गया। सो जैसा आप देख रहे हो ये वाला जो है साइड
वो प्रोटेक्ट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप जो मैंने बताया था आपको। तो इसको आप आगे रिएक्ट करते हो SOCl2 दैट इज योर थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो एंड है यहाँ से एक HCl बाहर जाता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो दैट विल बी एलिमिनेटेड एज सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ एक Cl यहाँ पे बच गया। तो हमारे पास अगर ये हमारा था बेंजिलॉक्सी कार्बोनिल, क्लोराइड तो इसमें रहा नहीं था, तो ये था बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल अमीनो एसिड। तो जब आप इसको थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वी गेट C6H5CH2O सी डबल बॉन्ड। ये पार्ट वैसे का वैसा, इसलिए बड़ी इजी है पेप्टाइड सिंथेसिस कि ये पार्ट सारा वैसे का वैसा रहा। तो यहाँ पे एसिड का डेरिवेटिव बन गया यानी कि एसिड क्लोराइड, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल एसिड क्लोराइड, अमीनो एसिड क्लोराइड, क्योंकि अमीनो ग्रुप तो है ही है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप था हमारे पास, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज योर एक्टिवेशन स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप जो था प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ योर ग्रुप, एंड द सेकेंड इज द एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन में याद रखना, हमने एक्टिवेट कर दिया अपने कार्बोक्सिल एंड को, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, उसके डेरिवेटिव याद रखना कि उसका डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड में। अब ये जो स्टेप था प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, इसमें आप और भी हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जैसे हमारे पास होता है डाइटर्ट ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट, दैट इज स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप। कई बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप दो ऐसे हमें रिएजेंट्स बताइए जिनको आप एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज कर सकते हो अमीनो एसिड की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसकी नेमिंग है डाइटर्ट ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट, तो इसको भी आप अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप योर। तो उसके बाद अगर आपको जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, इस एंड की प्रोटेक्शन करनी है, तो बड़ा ही इजी है। क्या करोगे, आप इसको रिएक्ट करा लो, ठीक है, किसी भी अल्कोहल के, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने की होगी, याद होगा आपको एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो आपके पास ये देखो, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है एंड यू गेट NH2CH, ये पार्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्टर में, ठीक है। तो अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो उसको आप उसके फिनाइल एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दैट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर अमाइनो ग्रुप, यू कैन यूज बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ये यूज कर सकते हैं, एंड डाई टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनेट। अगर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी है तो उसका आप एस्टर बना दो, एस्टेरिफिकेशन उसकी रिएक्शन कर दो, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन अल्कोहल प्लस एसिड की प्रेजेंस में, लाइक HCl वगैरह हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दो, तो वो ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये 1 मार्क में भी आ सकता आपको, एज सच भी आपको सिर्फ सिंपल 2 मार्क्स में जो है 2 मार्क्स में नोट्स लिखने आ सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप पे नोट्स लिखिए। सो आई होप आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर होंगे। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द 3rd स्टेप जो कि हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड के लिए क्या करोगे, करोगे एक और अमीनो एसिड के साथ, क्योंकि हमने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है ना, तो जो भी आप अमीनो एसिड लेना चाहो, लाइक हियर आई एम चेंजिंग आर डैश, तो और अनदर अल्फा अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, अगेन एट टेम्परेचर 263 केल्विन, और सॉल्वेंट लाइक टेट्रा हाइड्रोफिरान, इसकी जगह आप मिथिलीन क्लोराइड भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, ये देखो यहाँ पे Cl है, ठीक है, और आपने क्या करना, अब ये सेम ये वाली साइड तो आपने एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी इसी साइड में जो है आपके एसिड क्लोराइड वाली जो साइड है, यहाँ से Cl, यहाँ से H, ये जाएगा बाहर, और यहाँ से लिख लो HCl बाहर जाएगा, बाकी सारा सेम आएगा, C6H5CH2O C डबल बॉन्डो NH CHR C डबल बॉन्डो, तो यहाँ पे क्या आ गया, NH CHR डैश C डबल बॉन्डो OH। सो ये हमारे पास आ गया, ये स्टेप जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए, हमने ये वाला एंड प्रोटेक्ट कर लिया था ना, NH2 वाला, रिएक्शन किसकी हो रही है, सिर्फ इस एंड की। तो ये देखिए, यही एंड जो है वो आपके न्यू अमीनो एसिड के साथ कंबाइन किया, एंड यू गेट दिस पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सो इसका नेमिंग आप लिख लीजिए, इसकी नेमिंग है बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल, दो अमीनो एसिड जुड़ गए ना अब, कार्बोनिल डाई पेप्टाइड,
डाई पेप्टाइड। तो ये एक डाई पेप्टाइड बन गया जिसमें हमारे पास दो अमीनो एसिड है। कई बार इसको AZ प्रोटेक्टेड भी डाई पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड वाला, जो मैंने एक्टिवेशन होगी, प्रोटेक्शन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। हमने क्या करनी है, कैटालिटिक रिडक्शन करनी है ताकि हम अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसको रिमूव कर सके। तो कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो यहाँ से रिमूवल होगी C6H5CH3 की, और यहाँ पे अगर आप एच ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH। बाकी सारा पार्ट सेम। जब हमारा सारे हमने ये डाईपेप्टाइड सिंथेसाइज कर लिया तो हमारे पास क्या होगा, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे आ गया NH CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R डैश C डबल बॉन्ड O H। सो दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। अब इसके बाद क्या होगा, अब आप जैसे देख सकते हो, देखो दोनों तरफ हमारे पास क्या है, इधर भी COH है और इधर भी COH है। दिस इज हाईली अनस्टेबल स्पीशी। तो इसको आप स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखोगे, इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो ये H इसके साथ जुड़ गया, तो ये आ गया हमारे पास NH2CHR C डबल बॉन्ड O NH CH R डैश C O O H। देखिए डाईपेप्टाइड सिंथेसाइज हो गया हमारे पास। ठीक है, यही हम बनाना चाहते थे डाईपेप्टाइड। सो आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट स्टेप था प्रोटेक्शन। हमने किया था सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। सो प्रोटेक्शन में हमने क्या यूज़ किया था, बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड यूज़ किया था, जिसने NH2 जो सा था हमारे पास एन टर्मिनल उसको प्रोटेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक्टिवेशन की थी, थायनाइल क्लोराइड यूज़ करके एक्टिवेट कर दिया अपने सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप को, जो कि कन्वर्ट हो गया उसके एसिड क्लोराइड में। तो एसिड क्लोराइड में एक्टिवेट करने का मतलब हो गया कि यही एंड आपका आगे रिएक्ट करेगा, जो भी आप अल्फा अमीनो एसिड लोगे तो उसके साथ हमारे पास यही टर्मिनल जिसमें जो कन्वर्ट हुआ था एसिड क्लोराइड में वो रिएक्ट किया, और क्या हुआ हमारे पास कि हमारे पास डाईपेप्टाइड बन गया, जैसा आपने यहाँ देखा। एक बार हमारे काम हो गया तो हमने फिर कैटालिटिक रिडक्शन की और हमने अपने जो था प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसको बाहर निकाल दिया, एंड वी गेट आर डाईपेप्टाइड एट द एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट्स इट ऑल अबाउट द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैरीफिल्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। थैंक यू।